हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। इस वक्त मैं बर्दवान रेलवे स्टेशन में हूं और आज मैं बर्दवान का सबसे फेमस शिव मंदिर जा रहा हूं। दोस्तों, बर्दवान रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा है नज़ारा। मैं इस वक्त बर्दवान रेलवे स्टेशन के बाहर में हूँ और मेरे पीछे है बर्दवान रेलवे स्टेशन। तो अभी हम बर्दवान रेलवे स्टेशन से सीधा यहाँ से बस पकड़कर शिव मंदिर की तरफ जाएंगे। हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ शिव मंदिर। ये मंदिर है, 108 शिवलिंग है इस मंदिर में। तो चलते हैं अभी इस मंदिर के अंदर में। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मंदिर में करीब 108 शिवलिंग है और यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ, इस मंदिर के एंटर कर चुका हूँ। ये है दरवाज़ा, यहाँ से एंटर किया मैं। और यहाँ पर ये जो मंदिर है, ये सर्कल में है मंदिर और इस मंदिर का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है। दोस्तों, जैसे ही मंदिर के अंदर आया और बारिश शुरू हो गया है और यहाँ भी हल्की बारिश हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर अभी बारिश हो रहा है तो अभी मंदिर के अंदर मैं रुका हुआ हूँ। और यहाँ पर जो मंदिर है, 108 शिव मंदिर है। ये लाइन से यहाँ पर मंदिर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इधर भी है, ये चारों तरफ ये मंदिर सर्कल टाइप का ही बनाया गया है और बीच में गार्डन है। और दोस्तों, बीच में एक तालाब भी है, वहाँ भी लेकर चलूँगा। बहुत सारे मछली है उस तालाब में। अभी मैं बारिश से रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। बारिश से यहाँ तेज़ हो रही है धीरे धीरे। अगर मैं बाहर निकलूँगा तो भीग जाऊँगा। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस मंदिर में ब्लैक शिवलिंग है। यहाँ पर इसी मंदिर में करीब 108 शिवलिंग है, जिसमें से दो ही कलर का शिवलिंग है, एक ब्लैक में है और एक वाइट कलर में है। मंदिर का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये शिव मंदिर बर्दवान रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर तक आने के लिए आपको बस मिल जाएगी और इस मंदिर के पास में ही बस स्टैंड है, बर्दवान का बस स्टैंड। तो दोस्तों, अभी मैं इस मंदिर के गार्डन के बीचों बीच बना हुआ तालाब के पास आया हूँ। यहाँ देख सकते हैं, ये रास्ता है और यहाँ पर दोनों तरफ ही ये चेयर दिया हुआ है बैठने के लिए। और बीच में तालाब है और इस तालाब में बहुत सारे मछली है। दोस्तों, इस मंदिर के बीचों बीच में ये तालाब बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर ये इस मंदिर का नज़ारा है। तालाब के चारों तरफ ही पेड़ पौधे और गार्डन बना हुआ है और इस तालाब के बीच में यहाँ पर बहुत सारे मछली है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये बहुत सारे मछली है यहाँ पर, छोटे बड़े। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मछली है। और अभी बारिश हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं, आपको कुछ बूंदे नज़र आ रही है। ज़्यादा देर में अगर यहाँ बाहर में रहूँगा तो भीग जाऊँगा। तो अभी मैं कुछ सेफ जगह पर जाकर इंतज़ार करता हूँ बारिश थमने का। तो दोस्तों, अभी इस मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ और ये मंदिर करीब 200 साल पुराना मंदिर है। और ऐसा ही एक और मंदिर है, इससे भी प्राचीन है, वो कालना शहर में है। वहाँ पर भी 108 शिवलिंग है
वो इससे काफ़ी ज़्यादा पुराना वो मंदिर है, और वो मंदिर जो है वो करीब 300 से 400 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पर इस मंदिर का गेट में आप डिज़ाइन देख सकते हैं, भोलेनाथ जी का यहाँ मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का यहाँ प्रतिमा है, और ये मंदिर के बाहर में ही है। दोस्तों अभी हम इस वक्त सर्वमंगल टेंपल आए हुए हैं। ये बर्दवान रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, और ये बर्दवान शहर के बीचों बीच ये मंदिर है। और ये मंदिर का गेट जो है वो क्लोज हो चुका है, 4 बजे खुलेगी, और अभी 2 बज रहा है, तो 2 घंटे के बाद ये अंदर हम जा सकते हैं। ये और मेरे पीछे ये 2 मंदिर है, छोटा सा ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये मंदिर बर्दवान का सबसे बड़ा मंदिर है और खूबसूरत मंदिर है, तो इसके कारण मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अंदर नहीं जा सकते, गेट क्लोज हो चुका है।